हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर्णाज किचन। आज बनाऊंगी मैं व्रत का बहुत ही टेस्टी नाश्ता, क्योंकि आलू खा के बोर हो जाते हैं हम लोग व्रत में, तो इसलिए मैं आज ये बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता लेकर आई हूं और आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। और ये बहुत ही कम घी से बनाया हुआ है मैंने, तो अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने ये दो आलू ले लिए हैं, ये बॉयल्ड हैं और ये ठंडे भी हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें ग्रेट करूँगी, तो इसे मैं इस तरह से ग्रेट कर लेती हूँ। और आलूओं को ग्रेट ही करें क्योंकि इसे मैश ना करें, मैश करने से गुठलियाँ भी रह जाती हैं, बट ग्रेट करने से गुठलियाँ नहीं रहती हैं, तो इसलिए ग्रेट करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस तरह से ग्रेट कर लेती हूँ। और एक बात का ध्यान रखें, आलू ठंडे ही होने चाहिए, गर्म बिल्कुल ना हो। तो जब भी आप नाश्ता बनाएं तो उसे आप 1 घंटे पहले आलू बॉयल कर लें। अब देखिए, मैंने आलूओं को ग्रेट कर लिया है, तो अभी इन्हें एक साइड रखती हूँ। और ये मैंने आटा लिया है, तो ये सिंघाड़े का आटा है, व्रत में खाते हैं वो वाला, तो सिंघाड़े का आटा या फिर कुट्टू का आटा कुछ भी ले सकते हैं। और ये मैंने 1 कटोरी लिया है ये वाली, तो यहाँ पे आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, व्रत में जो चावल खाए जाते हैं उसका। इसका बैटर बनाना है और मैंने 1 कप पानी लिया है, तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका बैटर बना लेंगे। और पानी को थोड़ा थोड़ा ही इसमें मिक्स करें, नहीं तो एक साथ मिक्स कर देंगे तो इसमें लम्स बन जाएंगे, तो हमारा बैटर अच्छा नहीं बनेगा। और यहाँ पे आप पानी की जगह दूध भी ले सकते हैं, तो दूध से भी बैटर बना सकते हैं। तो आप अगर पानी से बनाना चाहें तो पानी से, अगर दूध से बनाना चाहें तो दूध से। तो अब मैं यहाँ पर ये आलूओं को मिक्स करूंगी जो ग्रेट करके रखे हुए थे मैंने, तो इनको भी इसी में इस तरह मिक्स कर देंगे। अब मैं इसमें धनिया की पत्ती ऐड करूंगी। और एक ग्रीन चिली, तो इसको मैंने मिक्स कर दिया है। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं व्रत में खाते हैं तो उसे आप स्किप कर दीजिए, तो उसे ना डालें, उसके बिना भी ये नाश्ता बन जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं सेंधा नमक मिक्स करूँगी, तो इसे आप अपने अकॉर्डिंग मिक्स करें, कम या ज़्यादा। अब यहाँ पे मैं ब्लैक पेपर पाउडर इसमें मिक्स करूँगी 1 पिंच, काली मिर्च का पाउडर। अब मैं यहाँ पे 1 पिंच रेड चिली पाउडर मिक्स करूँगी, तो ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें ना मिक्स करना चाहते हैं तो ना मिक्स करें। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूंगी और इसका अच्छा सा स्मूथ बैटर बनाऊंगी, अच्छी कंसिस्टेंसी आने तक। और बैटर एकदम स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल भी लम्स ना हो, और इस तरह अच्छे से फेंटते हुए मैं अच्छा सा बैटर बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह फेंटना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, इस तरह मैंने इसको फेंट के इसका बैटर बना लिया है, और देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। तो अब हमारा बैटर रेडी हो गया है, तो देखिए पूरा 1 कप पानी लगा है इसमें, और आप देखिए बैटर बिल्कुल सेम ऐसे ही होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, वरना फिर हमारे जो पैनकेक हैं बिल्कुल अच्छे नहीं बनेंगे। तो अब मैं इसको थोड़ी देर रख दूँगी। तो अब मैंने इधर तवा रख दिया है, तवा हमारा गर्म हो गया है, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा घी लगाऊंगी, तवे में थोड़ा सा स्प्रेड करूँगी घी, ज़्यादा नहीं। और अगर आप आयरन के तवे पर बनाना चाहते हैं तो उस पर भी बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ये बैटर पोर करूंगी, तो 1 बड़ा स्पून बैटर इसमें डालेंगे इस तरह से, और इसे गोल शेप देंगे। तो अब मैं इस तरह से और भी बना लेती हूँ, और 1 तवे पे 3 से 4 आ जाएंगे, इस पे 4 पैनकेक बन जाएंगे आसानी से। तो
अगर आप छोटे छोटे बनाना चाह रही हैं तो छोटे छोटे बनाइए, अगर आप बड़ा बनाना चाह रही हैं तो बड़े बड़े बना लीजिए, तो जैसे ही आपको अच्छे लगेंगे वैसे आप बनाइए। और इस तरह मैं इस पे चार बना लेती हूँ एक साथ। और फ्रेंड्स ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और इतने ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में, बहुत ही ज़्यादा, यकीन मानिए बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये अगर आप एक बार बनाएंगे तो आपका मन करेगा कि फिर बनाऊँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो इस तरह आप लोग भी बनाइए। और अब मैं इसे ढक दूँगी 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट में ये एक साइड से अच्छे से सिक जाएंगे। तो अब मैं इन्हें ढक दूंगी। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं लिड को हटाऊंगी और देखूंगी इनको। तो अब मैं पैनकेक के ऊपर थोड़ा थोड़ा घी और डाल देती हूँ, बहुत कम, 2 से 3 बूंद। तो अब मैं इन्हें पलट दूंगी और देखिए एक साइड से ये थोड़े से सिक गए हैं। तो अब मैं इस तरह से सारे पैनकेक पलट दूंगी। और आप जब ये एक साइड से थोड़े से सिक जाएं तभी आप इनको पलटिए, कच्चे मत पलटिए, क्योंकि तभी ये ठीक से पके नहीं होंगे और ये टूट जाएंगे अगर आप इन्हें कच्चे पलट देंगे। तो जब ये एक साइड से थोड़े से पक जाएं 2 से 3 मिनट बाद आप इन्हें पलटिए। और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिए। अब देखिए मैंने सारे पैनकेक पलट दिए हैं और अब इन्हें इधर भी 2 से 3 मिनट पकने देती हूँ। तो इन्हें ढकना ज़रूरी नहीं है, बट मैं इन्हें ढक देती हूँ, ढक के मैं इन्हें पकाऊँगी। तो आप इन्हें बिना ढके भी पका सकते हैं। और देखिए कितनी आसानी से ये छूट जाते हैं। और फ्रेंड्स जब भी आप व्रत हों तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और इन्हें सेकने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट उतने ही ज़्यादा ये टेस्टी भी लगते हैं। तो इन्हें सेकने के लिए ऑलमोस्ट 8 से 10 मिनट लग जाते हैं, तो क्योंकि इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर सेकना है और धीरे धीरे सेकना होता है, इसलिए टाइम थोड़ा लगता है। तो मैं इन्हें इस तरह से अलट पलट के अच्छे से सेक लेती हूँ। देखिए कितने अच्छे से सिक चुके हैं और ये फूल गए हैं कितने अच्छे से, देखिए बहुत अच्छे से फूले फूले से बने हैं। तो इस तरह से ही सेकना है इनको, और ये अंदर तक सिक चुके हैं बहुत अच्छे से। तो अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ और देखिए ये वाला कितने अच्छे से फूला है। और जब भी आपको खाने हो तो आप इन्हें इस तरह से 10 से 15 मिनट में तैयार कर सकते हैं और बहुत ही यम्मी लगेंगे, सभी को बहुत अच्छे लगेंगे। तो देखिए कितने यम्मी हैं और बहुत अच्छे से सिके हुए। तो इस तरह मैं दूसरे भी इस तरह सेक लूँगी। बस आपको बैटर की कंसिस्टेंसी ध्यान में रखनी है कि बैटर ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, तो फिर नहीं तो ये बनेंगे नहीं, छूटेंगे नहीं फिर दवा से। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और आप भी बहुत अच्छे से पैनकेक बना पाएंगे। तो देखिए इस तरह मैंने ये सारे बना लिए हैं, तो अब मैं इन्हें भी निकाल लेती हूँ। और एक कटोरी आटे में 10 से 11 बन गए हैं ये। तो चलिए इन्हें सर्व करते हैं अब। तो इस तरह मैं सर्व कर रही हूँ, और आप इसे धनिया की चटनी के साथ या फिर दही के साथ कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं, या आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं। व्रत वाली ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर लेना। और वो भी एक व्रत की ही रेसिपी है आलू चाट की, तो वो भी देखिए। और देखिए कितने ही अच्छे से अंदर तक सिके हुए हमारे पैनकेक, तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब के बाद बेल को जरूर दबाइए, इससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा और आप मेरे वीडियो देख पाएंगे। तो देखते रहिए मेरे वीडियोज़, मुझे सपोर्ट करिए।
आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलती हूँ एक और अच्छी सी स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड जय माता दी।